कोविड की दूसरी लहर जिसने यकायक सारी चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, और जिस तरह से ऑक्सीजन बेड आईसीयू बेड्स के लिए लोग तड़प रहे, देश के सभी शहरों में इस तरह के हालात को देख करके मन में एक भावना थी कि जोधपुर के लिए कुछ किया जाए। मैं जब 19 तारीख को कोविड के इस दूसरी लहर के आगमन से पूर्व जब बंगाल के चुनाव से बीच में एक दिन के लिए आया था, मैंने जिला प्रशासन के साथ बैठ करके एक प्रस्ताव दिया था कि यदि जिला परिषद प्रशासन उपयुक्त समझे तो एक इस तरह का सेंटर हम पूरे सेल्फ फंडेड सारे साथियों सहयोगियों के सहयोग से हम इसे पूरा कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने जिला कलेक्टर को कहा था 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक जो भी खर्चा आएगा वो सब हम लोग करेंगे। मैं जब 1 तारीख को वापस दिल्ली से लौटा तो मुझे और जिस तरह की भयावह स्थिति जोधपुर में थी, आप सब ने देखा कि एक एक बेड के लिए लोग रात को रात भर इंतजार कर रहे थे, लोग परेशान थे, दुखी थे, और व्यथित मन से एक संकल्प लेकर के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ चर्चा करके आदरणीय देवेंद्र जोशी जी हमारे जिलाध्यक्ष, आदरणीय घनश्याम जी हमारे पूर्व मेयर साहब, हमारी वर्तमान मेयर आदरणीय वनिता जी, आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी और सारी टीम, सारे पार्षद बंधुओं के साथ में सबके साथ बैठ के चर्चा की और ये बीड़ा उठाया। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब देश में कहीं भी इस तरह के चिकित्सकीय संस्थान खड़ा करने के लिए उपकरण संसाधन नहीं मिल रहे, तो भी सभी दोस्तों के सहयोग से, सभी साथियों के सहयोग से सब ने मिलजुल करके ये संस्थान आज इस तरह से खड़ा किया है कि हम 120 पेशेंट्स यहाँ भर्ती कर सकेंगे, ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ में कर सकेंगे, इंटेंसिव केयर के साथ में कर सकेंगे। इस अवसर पर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कि उनके एक निर्देश पर यहाँ एम्स के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर संजीव मिश्रा जी और उनके सारी टीम ने भी मिलकर के जिस तरह से खुले मन से हमारे साथ सहयोग किया और इसको एक एम्स के सब सेंटर के रूप में उन्होंने खड़ा किया, उन्हीं के सारे पैरामीटर्स पर जिस तरह की आवश्यकताएं थी। मैंने हंसते हंसते कहा भी था कि यदि मैंने किसी और से कहा होता तो शायद इससे आधी या चौथाई व्यवस्थाओं के साथ ही सेंटर खड़ा हो सकता था, लेकिन एम्स का जिस तरह का प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसी के आधार पर पूरी व्यवस्थाएं हमने की। देश में नहीं, दुनिया भर में रहने वाले सारे साथियों ने, मित्रों ने इसमें सहयोग किया, संसाधन जुटाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, गैस सिलेंडर्स के लिए दुबई से आ रहे थे, मॉनिटर्स जो है लंदन से आ रहे थे, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जर्मनी से खरीदे गए, और जो जहाँ मिला वहाँ से सब जो है व्यवस्थाओं को खड़ी करके इस सेंटर हम खड़ा कर पाए। हम कल जिला कलेक्टर भी आए थे, एम्स डायरेक्टर, और हमने बैठ करके तय किया कि सारे हॉस्पिटल्स का जो एडिशनल बर्डन है उस एडिशनल बर्डन को यहाँ एक बार शिफ्ट करें, Tier 1, Tier 2 के पेशेंट्स को हम यहाँ रखें, और जो सीरियस हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, जिसको इन्वेजिव ICU की ज़रूरत है, उन सा इन्वेजिव वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, उन सबको यहाँ से हायर सेंटर्स को शिफ्ट करेंगे। तो ये टू वे टू एंड फ्रो इन तीनों सेंटर्स से जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम जो है पेशेंट्स को यहाँ भर्ती करेंगे। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था, टीम ऑफ डॉक्टर्स जो एम्स के डॉक्टर्स होंगे, एम्स के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर प्रदीप भाटिया साहब खुद यहाँ टेली मेडिसिन से साथ में परमानेंटली कनेक्टेड रहेंगे। नर्सिंग का स्टाफ भी सारा एम्स ने ही अपने यहाँ पे ट्रेंड, चार चार पाँच पाँच साल का प्रशिक्षित ट्रेंड स्टाफ यहाँ पर भेजा है। इस सेंटर के लिए जितने लोग रहने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और जितने भी पेशेंट हैं, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आदरणीय प्रकाश जी जीरावला और आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी उनके साथ की टीम ने सब ने ऑन किया। सभी लोगों ने मिलकर के इस सेंटर को अब जो है पूर्णता का दृश्य दिया है, और मैं मन में सिर्फ एक संकल्प था कि हम सब प्रयास करें, एक व्यक्ति का भी यदि हम जीवन बचाने में सफल होंगे, एक व्यक्ति का भी हम अगर कष्ट हरण करने में सफल होंगे, मुझे लगता है कि उसके सामने ये सारा निवेश, उसके सामने ये सारा प्रयास, उसके सामने ये सारा परिश्रम, सारी मेहनत, सारा जो है योगदान, उसका प्रतिशत उसके एक कष्ट को कम करने से
वो जो है वो कहीं कहीं कम होगा। हम सब मिलकर के इस भाव के साथ में जुटे हैं और मैं कामना करता हूं कि ये सेंटर जो है ये जोधपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा का माध्यम बन जाए।